हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंडम फैक्ट 17 में। आपने आपके बचपन में साइकिल तो जरूर चलाई होगी, लेकिन क्या आपने चौकोर पहियों वाली साइकिल देखी है? एक लड़की जो पैदल पर पूरे 700 दिन तक रही। और क्या आपने 18 करोड़ के जूते देखे हैं? तो दोस्तों, हमने इस सीरीज में कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना ना भूलें और हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो फैक्ट 6। चाहे आप कितने भी स्टाइलिश हो जाएं, पर जूतों के बिना अधूरा है। लोग कहते हैं जूतों से आप किसी भी आदमी की औकात को पता लगा सकते हैं। सभी तरह के लोग अपने बजट के हिसाब से जूते खरीदते हैं। कोई 200, कोई 500, कोई 2000, कोई 2500। लेकिन ये जो जूते आप देख रहे हो, इसकी कीमत सुन के आपको चक्कर आने लग जाएंगे। इस जूते की कीमत है तकरीबन 17 करोड़ रुपए। अब आपका यही सवाल होगा कि क्या ऐसा है इस जूते में जो इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? ये कोई आम जूते नहीं, इन्हें एक बेहद खास शख्स ने पहना है। ये जूते बास्केटबॉल की दुनिया के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के है। उन्होंने ये जूते 1998 के NBA फाइनल्स में पहने थे। हाल ही में इन जूतों की नीलामी हुई, जिसमें इसकी कीमत $2.2 मिलियन तक पहुंची। फैक्ट नंबर 5। इस कार्गो वेसल को ध्यान से देखें तो उसके चारों तरफ नोजल पर हाई प्रेशर यानी कि पानी निकलता रहता है। जब कार्गो शिप एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करके हजारों लीटर समंदर का पानी पंप कर समंदर में ही क्यों फेंकता है? कुछ नया ही बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 14 सेंचुरी से लेकर आज भी इन कार्गो शिप को पैरेट का बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि ये पैरेट हर साल इन कार्गो वेसल से 1 अरब 30 करोड़ रुपए का सामान लूट लेते हैं। और इनसे बचने के लिए इन्वेंट किया गया वाटर कैनन। ये कैनन 1 मिनट में 5,000 लीटर पानी फायर करने में कैपेबल हैं। और इस तरह की कार्गो वेसल पर 40 कैनन लगाए जाते हैं, जो किसी भी इंसान या फिर शिप को घायल करने के लिए काफी हैं। फैक्ट नंबर 4। दुनिया के सबसे पतले बिल्डिंग मध्य पूर्व स्थित लेबनान देश में देखने को मिल जाएगी। बिल्डिंग का निर्माण 1954 में किया गया था। इस बिल्डिंग के बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी हुई। उसके बाद जमीन को प्लॉट और ए प्लॉट बी के तौर पर बांट लिया गया। कई साल बीतने के बाद सरकार उस जगह पर सड़क बनाने की परियोजना लेकर आई। योजना के लिए सरकार ने दोनों भाइयों के जमीन देने के लिए कहा। हालांकि सड़क को लेकर एक भाई तो सहमत हो गया, लेकिन दूसरा भाई जमीन ना देने पर अड़ गया। दूसरा भाई चाहता था कि उसका भाई भी जमीन को सरकार को ना देकर अपने पास ही रखे, लेकिन उसका भाई नहीं माना और सरकार को जमीन सौंप दी। जहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, उस जगह को अलबासा कहते हैं, जिसका अंग्रेजी मतलब होता है गर्ल्स। फैक्ट नंबर 3। ये लड़की 180 फीट की ऊंचाई पर पूरे 2 साल तक ऐसे ही पड़ी रही। 1997 में एक लंबा कंपनी ने 1000 साल पुराने रेडवुड ट्री को काटने जा रही थी। इसके विरोध में एनवायरमेंट एक्टिविस्ट इस इंसान की तलाश में थे जो इस पेड़ पर 7 दिन तक रह सके और इस काम को टाला जा सके। तभी जूलिया बटरफ्लाई नाम की लड़की आगे आती है और 7 दिन तक खाना पानी लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। पर यह काम इतना आसान भी नहीं था। कंपनी और एक्टिविस्ट के बीच का ये मामला काफी लंबा चला, जिससे जूलिया इन पेड़ पर ना उतरने की ठान ली। और फिर चाहे बारिश हो या ठंड या गर्मी, पेड़ की छत पर एक टेंट बनाकर उसमें ही रहने लगी। दूसरे एक्टिविस्ट 24 घंटे की चढ़ाई करके उसे फूड और वाटर सप्लाई करते थे। आखिरकार हार मान के कंपनी ने पेड़ न काटने का एग्रीमेंट साइन किया। फैक्ट नंबर 2। आए दिन हमें साइंस के नए नए आविष्कार देखने को मिलते हैं। अब की बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैटरी बना ली है जिसे इस्तेमाल करने के बाद हम खा भी सकते हैं। इस बैटरी को खाने वाले पदार्थ से बनाया गया है। खाने वाली चीजों से बैटरी बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इंसान को किसी तरह का नुकसान ना हो। ये एक प्रोटोटाइप बैटरी है जिसे 0.65 वोल्ट वहन करता है। इससे शरीर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद जब इसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो ये आपके पेट में घुल जाएगी। इसे बनाया है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शोधकर्ता मारिया केरोनी ने। फैक्ट नंबर 1। चौकोर पहियों वाली साइकिल पहिये का आविष्कार ईसा के 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था। पहिये का गोल होना ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन एक इंजीनियर ने तरकीब चौकोर पहियों वाली एक साइकिल बनाकर सभी को हैरानी में डाल दिया। आज हम आपको एक ऐसे साइकिल से रूबरू कराएंगे जिसमें गोल नहीं बल्कि चौकोर पहिये का इस्तेमाल किया गया है। चौकोर पहियों वाले इस साइकिल का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चूंकि इस चौकोर व्हील को मेटल फ्रेम पर तैयार किया गया है, इसलिए इसमें हवा भरने या इसके पंचर होने का भी डर नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी जल्दी से चेक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।